तो पढ़िए समझिए और उस वीडियो को भी देखिए। कोई क्वेश्चन आप इनसे आज क्वेश्चन आप बनाइए, आज पुनः क्वेश्चन बनाइए एक दो पेज। चलिए, द सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन द 1793 बाई लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने इस सिस्टम को दिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। यहाँ फिगर भी बना है। इट कवर्स बंगाल, कहाँ कहाँ पे था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड बनारस डिवीजन ऑफ यूपी, अकाउंटिंग 19% ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी। जितना ब्रिटिश की टेरिटरी था, मतलब उसके अधीन में था, उसका 19% एरिया में परमानेंट सेटलमेंट शुरू हुआ। बेटा आज हम स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन नहीं किए, सर को मोबाइल सब कुछ ऑन करके चले गए हम बाहर, और स्क्रीन नहीं हुआ तो वीडियो नहीं बना होगा। कल वाला तो हमने डाल दिया था, आज वाला और कल वाला कर पाए थे तो हम तो चलो हमारे पास तो था ही पुराना, हमने उसको भेज दिया, लेकिन आज स्क्रीन दिख। हिंदी का कल वाला डाला था ना? हाँ, हिंदी व्याकरण करके किया था। देखिए कटे ना, टाइम धीरे धीरे हो रहा है कटने का। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, देखिए लैंड ऑनर्स और जमींदार एक्वायर्ड हेरिडिटरी राइट ओवर लैंड। क्या था इसमें? लैंड ओनर्स मतलब जो या जमींदार, लैंड लॉर्ड या जमींदार जो होते थे वो हेरिडिटरी राइट था उनके पास, पैतृक अपना जमीन का उन्हीं के हाथ में जमीन होती थी। फार्मर वर रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ टीनेंट्स एंड दे लॉस्ट द राइट टू यूज ऑफ पास्चर, फॉरेस्ट लैंड, इरीगेशन कैनाल एंड फिशिंग पॉन्ड। मतलब जो फार्मर थे उनका स्टेटस एक तरह से धीरे धीरे कम हुआ। टीनेंट्स उन्होंने अपने राइट्स जो फ्री पास्चरिंग कर लेते थे अपने जानवरों को, कहीं भी चराना, जंगल में कहीं आना जाना, इरिगेशन कैनाल, नहरों से सिंचाई करना, फिशिंग, इन सब पे धीरे धीरे बैन लग गया, उनका राइट खत्म हो गया। जमींदार हैड टू पे अ फिक्स अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। इसके तहत जमींदार को जो है उनके बोल दिया गया था कि आपको जैसे कि 100 रुपीज पर मंथ जमा करना, एक फिक्स अमाउंट कह दिया गया को लैंडलॉर्ड जमा करेंगे। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, एडवर्स मतलब बैड कंडीशन, जब हाँ नेचुरल क्लाइमेटी के दौर भी, मतलब फसल अच्छी नहीं हुई फिर भी, इफ दे फेल्ड टू पे दियर लैंड वाज ऑक्शनड ऑफ, अगर वो टैक्स को पे करने में फेल हो जाते थे तो उनके लैंड को जब्त कर लिया जाता था। व्हाट एवर रिमेंड विद द जमींदार आफ्टर पेइंग द रेवेन्यू वाज हिज प्रॉफिट। जमींदार लोग रेवेन्यू देने के बाद क्या करते थे? अपनी प्रॉफिट भी तो उन्हें चाहिए, इसके एवज में वो लोग किसानों पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाते थे। इनिशियली 39% ऑफ ऑल रेवेन्यू कलेक्टेड वाज हैंडेड ओवर द कंपनी, मतलब 100% में 89% जो है इसको दे दिया जाता था कंपनी को, 11% रिमेनिंग विद द जमींदार, 11% जमींदार के पास रहता था। द लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड परमानेंटली फॉर 10 ईयर एट रफली 50% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। 10 साल के लिए लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया था और नियर अबाउट जितना टोटल प्रोडक्शन होता था उस प्रोडक्शन का हाफ जो है टैक्स के रूप में देना पड़ता था। मीन्स 100 रुपये अगर उसमें कमाई हुई तो 50 टैक्स, 50 अपने पास। द एडवांटेजेस क्या था कंपनी के लिए? हमने पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम क्या था ये सिस्टम, और अब है एडवांटेज क्या था कंपनी के लिए। कंपनी के लिए तो सब कुछ एडवांटेज ही था, फायदा ही था। द कंपनी क्रिएटेड अ क्लास ऑफ जमींदार हु इंटरमीडिएट, इस तरह से कंपनी को एक नया वर्ग मिला जमींदार का जो कि लॉयल था, एक इंटरमीडिएट किसानों और रूलर के बीच में। विद देम एंड पीजेंट्री एंड एक्टेड एज अ नेचुरल एलायंस इन द
इवेंट ऑफ एनी रिविलियन बाय द पीजेंट, मतलब कि पीजेंट के द्वारा कोई भी रिविलियन विद्रोह होता था तो ये नेचुरली अलाइक रूप में काम करते थे दोनों के। हाँ नहीं बज रहा, हाँ अभी लोगों को नहीं है, इधर से नहीं है तो म्यूट रहिए जिनका इस तरह से है, बात सुनिए, कोई पॉइंट नहीं आए तो क्वेश्चन आप रेज करके मतलब पूछते भी रहिए। नेक्स्ट है, अंडर दिस सिस्टम द इनकम ऑफ द EIC फ्रॉम लैंड रेवेन्यू वाज सिक्योर, क्या हुआ इस सिस्टम के तहत? एक तो उनको इंटरमीडिएट भी मिल गया, दोनों के बीच में अगर कुछ रिव्यूल होता, जमींदार उसको जाने, जमींदार शांत करे, जैसे इस समय किसान और सरकार के बीच में छिड़ी हुई है, तो इसमें जमींदार लैंडलॉर्ड लोग बीच में मध्यस्थता करते थे, कंपनी से कोई मतलब एक तरह से नहीं, केवल उन्हें राजस्व से मतलब था, रेवेन्यू, तो रेवेन्यू फिक्स हो गई थी, सिक्योर हो गई थी, इतना तो हमें मिलेगा ही पर ईयर, रेगुलर एंड स्टेबल, दिस हेल्प द कंपनी मीट इट्स ग्रोइंग एक्सपेंसर, इससे क्या था कंपनी को अपने जो खर्चे बढ़ रहे थे मिलिट्री एक्सपेंडेशन में एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके लिए उनको पर्याप्त इनकम पैसा मिल जा रहा था। अगला है, जमींदार वर मोटिवेटेड टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जमींदारों को मोटिवेट किया जाता था ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया जाए, इससे वो किसानों को मोटिवेट करते थे। द रेट ऑफ रेवेन्यू टू बी पेड टू द ब्रिटिश वाज फिक्स्ड, किसान को ये लोग कहते थे भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, और जबकि कंपनी को कितना देना है अमाउंट फिक्स है, सपोर्ट दैट 50 रुपया देना, अगर प्रोडक्शन 100 हो गया तो प्लस कौन रखता था, जमींदार, इससे जमींदार भी प्रॉफिट, देखे यहाँ बना हुआ है मेहताब चंद जमींदार आप बर्धमान, ये भी एक रूलर की तरह दिख रहे हैं पूरा, तो इससे इनका भी प्रॉफिट, पिस्ता कौन था, एक्सप्लॉइट कौन होता था, पीजेंट। क्लास डिस्कशन है, क्लास डिस्कशन, ये पॉइंट आप लोग भी नोट करें, डिस्कशन पॉइंट तैयार करें, अपार्ट फ्रॉम दियर सपोर्ट इन सुप्रेशन पीजेंट रिवोल्ट, हाउ डिड द जमींदार हेल्प द EIC अचीव दियर गोल, मतलब जमींदार EIC के उनके गोल को प्राप्त करने में किस तरह से हेल्प करते थे किसानों का दमन करके, इस पे आप डिस्कशन के लिए पॉइंट खोजिए। अगला है, इफेक्ट ऑन द पीजेंट, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा इसका, द एक्चुअल कल्टीवेटर्स वर लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ द जमींदार, जो मेन कल्टीवेटर थे, किसानों किसान लोग जमींदारों के कृपा पात्र बन गए, उनकी दया पर एक तरह से, किसान लैंडलॉर्ड पैसा दे तो खेती करें, उन्हीं से लेके आश्रित हो जाना जिसको कहते हैं लैंडलॉर्ड पर, हु एक्सट्रैक्टेड एक्सॉर्बिटेंट रेट्स आर इम्पोज, हाँ व्हाट, बर्दवान, हाँ वही है बर्दवान, उधर ही है बर्दवान डिस्ट्रिक्ट है जो है इसमें शायद वेस्ट बंगाल या बिहार ऐसे है बर्दवान, पीजेंट हैड टू पे रेवेन्यू इवन दियर क्रॉप फील्ड, हाँ, हु एक्सट्रैक्टेड एक्सॉर्बिटेंट रेट आर इम्पोज्ड इलीगल, मतलब जो लोग जमींदार लोग किसानों पर इलीगल टैक्स भी लगाते थे, अनावश्यक टैक्स भी, एंड द पीजेंट हैड टू पे रेवेन्यू इवन इफ दियर क्रॉप फील्ड, उनकी फसल नहीं हुई तो भी उनको रेवेन्यू देना था, दे वेयर फोर्स टू बारो मनी, उनको फोर्स किया जाता था मनी लेंडर से उधार लें कर्ज लें, और जब कर्ज नहीं दे पाते थे तो मालूम है आपको कि उनकी लैंड सीज कर दी जाती थी, लैंडलेस हो जाती, इनकेस ऑफ नॉन रिपेंट ऑफ लोन दियर लैंड वाज मॉर्टैग्ड, दे हैड टू लुक फॉर अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट और माइग्रेट, तो इस तरह से मजबूरी में उनको या तो एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार के लिए फैक्ट्रियों में काम करना, या शहरों की तरफ माइग्रेट करना, या उनके अधीन में काम करना जमींदारों के, तो वही है लैंड ओनर से लैंडलेस हो गए।
पीजेंट वर इविक्टेड फ्रॉम, इविक्टेड मीन्स रिमूव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर्टी, फ्रॉम द लैंड्स दे हैड कल्टीवेटेड फॉर जनरेशन, जिन पर वो पीढ़ियों से चले आ रहे थे, अपनी पैतृक खेती पर करते थे खेती, वो उनसे ले लिया गया। दिस क्रिएटेड क्लास ऑफ लैंडलेस पीजेंट, इससे क्या हुआ, भूमिहीन किसानों की एक नई वर्ग बन गया समाज। इन मेनी प्लेसेस मनी लेंडर्स रिप्लेस द लैंडलॉर्ड एंड टूक नो इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मेनी वर अब्सेंटी लैंडलॉर्ड। क्या हुए अब्सेंटी लैंडलॉर्ड, मतलब ऐसे लैंडलॉर्ड जो कि जमीन, जैसे आज है जमीन लेके छोड़ दिया और अपना कहीं शहर में बसे हुए हैं, तो उनकी देख रेख कोई कर रहा है या रेंट रेहन पे दे दिया, तो ऐसे लैंडलॉर्ड अब्सेंटी, लैंडलॉर्ड्स हु लिव्ड इन अर्बन एरियाज एंड नॉट ऑन नियर द लैंड विच दे ओन, हु लीज्ड आउट दियर लैंड टू टीनेंट्स एंड लिव्ड इन सिटी। टीनेंट मतलब पैसे पे देके खेती करने वालों को लीज पर दे देते थे कि हमें सालाना 2 क्विंटल 4 क्विंटल या 1,000-2,000 रुपये, जैसे आज देते हैं लोग, या रेहन हो गया, इस तरह से अपना शहर में रहते थे। द सेटलमेंट बेनिफिटेड द जमींदार मोर देन द कंपनी, तो ओके जुड़ जाइए थोड़ा, चूंकि टाइमिंग, हाँ फोर्थ बेल लग गया, ये पैराग्राफ फिनिश कर दूं। कंपनी बिकॉज द लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट वेंट अप द एरियाज अंडर कल्टीवेशन इंक्रीज, हाउएवर द अमाउंट दे हैड टू पे टू द कंपनी कंटिन्यू टू बी सेम। मतलब इस तरह से जो भी एरिया इन, मतलब लैंड पर प्रोडक्शन इंक्रीज होता था, लेकिन जमींदारों को तो फिक्स था कंपनी को इतना देना है, तो जितना प्रॉफिट ज़्यादा एक्स्ट्रा होता था ये सब लैंडलॉर्ड अपने पास रखते थे। कंपनी वर कन्विंस्ड दैट द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू हैड टू बी चेंज बाई अर्ली 19 मेनी ऑफिशियल ऑफ द कंपनी। इस तरह से बहुत से कंपनी के अधिकारियों ने इस चीज़ पर आरोप लगाया कि सिस्टम बदलना चाहिए, इसमें फ़ायदा बिचौलिए का हो रहा है। फिर आ गया क्लास डिस्कशन आपका, हाउ वाज द परमानेंट सेटलमेंट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, कैसे अलग था ये। तो महलवारी सेटलमेंट आपका है नेक्स्ट, हॉल्ट मैकेंजी ने इसको इंट्रोड्यूस किया 1822 में इन एरिया, इसका मॉडर्न उत्तर प्रदेश, सर्टेन पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, पंजाब अकाउंट 30%, नियर अबाउट 30% जो है कंपनी टेरिटरी के एरिया इसके अंतर्गत आता था। माहल विलेज होता है, व्हिच फॉर मैकेंजी वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व, हेंस द यूनिट ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट वाज द विलेज आर माहल। जो रेवेन्यू सेटलमेंट की इकाई रखी गई गांव लेवल पर दिया गया कि गांव के लोग खुद जो है इसको दे, जो लंबरदार होते थे गांव के विलेज हेडमैन कलेक्टेड द रेवेन्यू, वो लोग कलेक्ट, मतलब जमींदार अब हटा करके गांव के मुखिया के अंडर में आ गया कि रेवेन्यू कलेक्ट करें और हैंडेड ओवर द गवर्नमेंट करें। द हेड ऑफ द विलेज फिक्स द रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, गांव का मुखिया जो है जमीन के आधार पर जो है वो लैंड रेवेन्यू फिक्स करता था कि फर्टाइल लैंड है, ऊसर लैंड है, कैसी है। द कस्टम ऑफ राइट ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर ग्रुप द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लाट विद इन द विलेज वॉज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज माहल हैड टू पे, मतलब प्रत्येक गांव जो है टैक्स पेड करता था उस आधार पे। द रेट ऑफ रेवेन्यू वॉज रफली हाफ ऑफ द टोटल, ये भी वही लगभग था, टोटल प्रोडक्शन का हाफ प्रोडक्शन। दिस डिमांड वॉज टू रिवाइज पीरियडिकली एंड नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं था जैसे उसमें आपने परमानेंट में 10 साल का था, ये पीरियडिकली था, एक
पीरियड, 1 ईयर या 2 ईयर या 3 मंथ, 4, 6 मंथ ऐसे। हाउ एवर इवन अंडर दिस सिस्टम द कंडीशन ऑफ पीरियड रिमेन, मतलब सिस्टम में भी किसानों की स्थिति पिटेबल रिटेन द राइट टू एक्सट्रैक्ट रेवेन्यू। ठीक, हेलो, आज कैसे आएगी, आप लोग सुन ही रहे हैं कितना आवाज आ रहा है। चलिए आज का क्लास इतना ही, क्योंकि बेल लग चुका है, रहे तो वही हम लोग नेक्स्ट डे को पढ़ेंगे। इतना आप पढ़िएगा, समझिएगा अच्छे से और बनाइए उसको और भेजिए ग्रुप में। ओके, ठीक बेटा, और कंप्लीट करते रहिए सब चीज़ें।